झारखंड के चित्रकलाओं में जादो पाटिया, कोहबर और सोहरा चित्रकला प्रसिद्ध हैं। विभिन्न प्रकार के आदिवासी समुदायों के साथ अन्य समुदाय के लोग भी इन चित्रकलाओं में अपना योगदान देते रहे। तो दोस्तों, झारखंड के अगर चित्रकलाओं की या चित्रशैली की बात करते हैं तो यहाँ पर जादो पाटिया, कोहबर और सोहरा चित्रकला फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। और इन चित्रकलाओं को मुख्य रूप से आदिवासियों के द्वारा या आदिवासी समुदायों के द्वारा ही बनाया जाता है या किया जाता है। साथ ही साथ अन्य समुदाय के लोग भी इन चित्रकलाओं में अपना अपना योगदान को देते रहे हैं। लेकिन दोस्तों, समय के साथ इन चित्रकलाओं में कमी देखी जा रही है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, उस प्रकार से यह चित्रकलाओं में कमी देखी जा रही है। इन प्रसिद्ध चित्रकलाओं के अलावा झारखंड की एक और चित्रकला है जो लुप्त होने या ख़त्म होने की जगह पर खड़ा है। दोस्तों, जादो पाटिया, कोहबर और सोहरा चित्रकला के अलावा एक और चित्रकला है, एक और चित्रशैली है जो अभी लुप्त होने या ख़त्म होने की जगह पर खड़ा है, और इस चित्रकला का नाम है पाटकर चित्रकला। यानी कि पाटकर चित्रकला जो है वह इनके अलावा एक और प्रसिद्ध चित्रकला है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी को देखते हैं कि यह पाटकर चित्रकला क्या है। पाटकर चित्रकला झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के धालबूमगढ़ क्षेत्र में विख्यात है या यहीं पाया जाता है। धालबूमगढ़ प्रखंड का आमडोबी गांव पाटकर पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के धालबूमगढ़ क्षेत्र में यह पाटकर चित्रकला प्रसिद्ध है या विख्यात है, और धालबूमगढ़ प्रखंड का आमडोबी गांव इस पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको ये जानकारी ध्यान रखना है कि धालबूमगढ़ क्षेत्र पाटकर चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है और आमडोबी गांव इसके लिए प्रसिद्ध है। पाटकर चित्रकला में हाथों से बनाई गई सामग्रियों का ही इस्तेमाल किया जाता है। पेड़ के पत्ते या छाल से ही रंग बनाए जाते हैं और इस चित्रकला में कृत्रिम रंगों का प्रयोग नहीं होता है। दोस्तों, इस चित्रकला में हाथ से ही बनाई गई सामग्री का इस्तेमाल होता है। पेड़ के ही पत्ते से रंग निकाला जाता है या पेड़ के छालों से ही रंग बनाए जाते हैं, और इन्हीं रंगों का प्रयोग चित्र को बनाने में किया जाता है, और इसमें एक भी रंग कृत्रिम नहीं होता है। मतलब कृत्रिम रंगों का प्रयोग नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। इस चित्रकला में प्रयोग में आने वाला ब्रश भी हाथ से बनाया हुआ होता है। और पाटकर चित्रकला में वर्णन चित्रों का संबंध किसी घटना या कहानियों से होता है। दोस्तों, इस चित्रकला में जो पेंटिंग करने के लिए ब्रश का इस्तेमाल होता है, तो उस ब्रश को भी हाथ से ही बनाया जाता है। यानी कि प्रयोग में आने वाला ब्रश भी हाथ से ही बनाया हुआ होता है। और इस चित्रकला में जो चित्र का निर्माण किया जाता है, जो चित्रों का निर्माण होता है, तो उन चित्रों का संबंध किसी न किसी घटना से या किसी न किसी कोई न कोई कहानियों से ही होता है। यानी कि चित्रकला में वर्णन चित्रों का जो संबंध होता है वह किसी घटना या कहानियों से ही होता है। इस चित्रकला को बचाने के लिए झारखंड सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन यह प्रयास काफ़ी नहीं है। तो दोस्तों, इस चित्रकला को बचाने के लिए झारखंड सरकार की ओर से भी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन यह जो प्रयास है वह काफ़ी नहीं है। दोस्तों, झारखंड सरकार ने आमडोबी गांव को पर्यटन गांव घोषित किया है, लेकिन आपको यह जानना है कि आमडोबी गांव को झारखंड सरकार की ओर से पर्यटन गांव के रूप में या पर्यटन गांव घोषित किया है। दोस्तों, सरकार को चाहिए कि इस चित्रकला के चित्रकारों को प्रोत्साहन करे और उनका उचित रहने का प्रबंध करे, उनको प्रोत्साहित इस प्रकार से करे कि वह इस चित्रकला को लुप्त होने ना दें। अगर सरकार इनको बचाने के लिए करती है कुछ काम, तो इस चित्रकला भी बच जाएगी। यानी चित्रकारों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन करें और उनका रहने का उचित प्रबंध करें। अगर दोस्तों आप कोहबर, जादो पाटिया, सोहरा चित्रकला के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कर रहे हैं, ताकि वहीं से आपको झारखंड के चित्रकला के बारे में जितनी भी जानकारी है वह मिल जाए। तो ये सभी जो है झारखंड के प्रसिद्ध पेंटिंग हैं। तो आपको इतनी जानकारियाँ ध्यान रखनी है कि पाटकर चित्रकला जो है वह हाथों से ही बनाई गई सामग्रियों का इस्तेमाल होता है, और इसमें कृत्रिम रंगों का प्रयोग नहीं होता है। ब्रश भी यहाँ तक कि हाथ से ही बनाया जाता है। तो आपको इतनी सारी जानकारियाँ ध्यान रखना है। थैंक यू दोस्तों।